योजना के तहत नीमच के 6 विद्यार्थी जलियांवाला बाग गए थे, वहां से वीर सपूतों की उस मिट्टी को लेकर आए जहां पर वे बलिदान हुए थे, और इस मिट्टी को लाकर विद्यार्थियों ने नीमच कलेक्टर को सौंपा। तो नीमच कलेक्टर ने उस मिट्टी को प्रणाम किया और कहा कि यह वीर सपूतों की वह भूमि है जहाँ पर हजारों लोग वतन के लिए कुर्बान हुए। नीमच जिले के 6 विद्यार्थी पिछले दिनों माँ तुझे सलाम योजना के तहत वीर भूमि जलियांवाला बाग गए थे। इस दौरान जब वे लौटे तो वहाँ की मिट्टी साथ लेकर आए और इस मिट्टी को नीमच कलेक्टर को सौंपा। नीमच कलेक्टर ने भी उस मिट्टी को प्रणाम किया और कहा कि यह मिट्टी उस पवित्र स्थान की है जहाँ हजारों लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हम यहाँ यूथ महापंचायत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशा अनुसार अटारी वाघा बॉर्डर पर गए थे और हमारी वहाँ 7 दिवसीय यात्रा थी, और उस यात्रा में हमने जो सीमा पर सरहद पर जो हम देखते हैं कि अटारी वाघा बॉर्डर का जो एक दृश्य होता है, वहाँ दोनों देशों के झंडे एक साथ उतरते और देशभक्ति से पूर्ण एक माहौल होता है, और वहाँ हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा के लिए किस तरीके से भारत देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े होते हैं, उन्हें देखकर हमें एक देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। वहाँ से आप सरहद की मिट्टी भी लेके आए हैं, तो यहाँ क्या कलेक्टर साहब को सौंपना है क्या है? या हम वहाँ से जो हम जलियांवाला बाग और भारत पाकिस्तान सीमा की जो मिट्टी लेके आए वो हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे, और हम देश अपने जिले के युवाओं को देशभक्ति का संदेश देंगे। कितने युवा और वहाँ शामिल हुए थे? हम यहाँ नीमच जिले से 6 युवा शामिल हुए थे, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुनकर आए हुए 140 युवाओं का दल हमारा था।